नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेटू सक्सेस पर। और आज का ये वीडियो मैं आप लोगों की हाईली डिमांड के बाद बना रहा हूँ। वैसे फ्रेंड्स, आज से ठीक एक साल पहले इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के डाउट आज तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना एक और पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाया जाए आप लोगों की हैवी डिमांड पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफी के बारे में। स्टेनोग्राफी होती क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है, सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलती है, वर्किंग आवर, वर्कलोड क्या रहता है, हिंदी और इंग्लिश में से कौन सी स्टेनोग्राफी सीखना ज्यादा बेटर है, मिनिमम कितने टाइम में आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हो, आप घर पर खुद स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, साथ ही बुक्स कौन सी बेस्ट है ताकि आप खुद स्टेनोग्राफी सीख सको। तो स्टेनोग्राफी या फिर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे आज इस वीडियो के थ्रू सभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ए टू जेड डिटेल स्टेनोग्राफी से रिलेटेड आपको मैं इस वीडियो में देखने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप स्टेनोग्राफी को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2015 के बाद स्टेनोग्राफी का स्कोप एकदम से 70% बढ़ चुका है। आज जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर वैकेंसीज निकलती है उनमें से 70% पोस्ट स्टेनोग्राफर की रहती है। जितने भी गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज जरूर निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, आज भी कंपटीशन के बारे में बात करें तो स्टेनोग्राफी की पोस्ट के ऊपर बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में, चाहे वो डिफेंस की वैकेंसी हो या फिर क्लरिकल वैकेंसीज हो, स्टेनोग्राफी की पोस्ट के ऊपर कंपटीशन बाकी वैकेंसी से 50% कम है। वो इसीलिए कम है क्योंकि अब भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में जानते नहीं है कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, और जो लोग जानते हैं वो स्टेनोग्राफी का नाम सुन के घबरा जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये क्या है, ये उर्दू से जो लिखी हुई है ये क्या है, इसे कैसे सीख पाएंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। लेकिन फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एक स्टेनोग्राफर हूं और मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। स्टेनोग्राफी ईजी है, बस अगर आप कोशिश करो कि हाँ मुझे स्टेनोग्राफर बनना है तो आपके लिए स्टेनोग्राफी इजी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यही नहीं, जैसे ही स्टेनोग्राफी का स्कोप बढ़ता जा रहा है ऐसे ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2022 तक स्टेनोग्राफी की पोस्ट के ऊपर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, जो भी करना है अभी करना है। गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज बेसिकली बेस्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरीके की सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, जहां पर एक प्रॉपर सिंबल का मतलब एक वर्ड यानी कि एक शब्द होता है, या फिर एक प्रॉपर सिंबल का मतलब एक सेंटेंस यानी कि एक प्रॉपर लाइन, एक वाक्य भी हो जाता है। फ्रेंड्स, जहां पर आप 1000 वर्ड के पैराग्राफ को हिंदी या फिर इंग्लिश में आधा घंटे में लिख पाओगे, वहीं पर एक अच्छा स्टेनोग्राफर उसी पैराग्राफ को केवल 7-8 मिनट में लिख देगा। तो ये काम होता है स्टेनोग्राफर का। फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग एक चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई डिक्टेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में बोली जाती है और आप उसे इसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में यानी कि शॉर्ट हैंड में शॉर्ट करके लिखते हो, उसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है। और अगर आप जो आपने लिखा उस सिंबॉलिक लैंग्वेज में उसको टाइप कर देते हो या फिर पढ़ देते हो या फिर उसको कन्वर्ट कर देते हो दोबारा उसी लैंग्वेज में, तो वो कंप्लीट प्रोसीजर स्टेनोग्राफी हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। साइड में मैंने यहां पर कुछ शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में मतलब है मेरा नाम सोनू अहलावत है। तो देखा फ्रेंड्स, इस सिंबल का मतलब पूरा एक सेंटेंस है। तो ये जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट हैंड है और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये स्टेनोग्राफी है। तो इतना काम होता है स्टेनोग्राफर का। फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी की स्पीड के बारे में बात करें, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज में मांगी जाती है बेसिकली हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है, किसी किसी डिपार्टमेंट में 100 वर्ड पर मिनट भी मांग ली जाती है, सेम इंग्लिश का है। अब देखिए फ्रेंड, जो लोग स्टेनोग्राफर की पोस्ट को लेकर इंटरेस्टेड है वो हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते रहते हैं कि हिंदी या फिर इंग्लिश में से कौन सी स्टेनोग्राफी सीखना आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर देखें फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी वाइज, तो आजकल या फिर आने वाले टाइम में मोस्टली इंग्लिश स्टेनोग्राफी की अपॉर्चुनिटी ज्यादा आने वाली है। ऐसा नहीं है कि हिंदी की अपॉर्चुनिटी कम है, हिंदी की भी बराबर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट है, हाई लेवल के डिपार्टमेंट है, जहां पर केवल इंग्लिश स्टेनोग्राफी वालों के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। तो अपॉर्चुनिटी वाइज
आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप हिंदी स्टेनोग्राफी भी सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी स्टेनोग्राफी की भी अपॉर्चुनिटी बराबर है, और अगर आप इंग्लिश में ठीक ठाक हो तो आपको इंग्लिश की स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी में भी स्टेनोग्राफी की अलग अलग वेराइटीज यानी कि अलग अलग प्रणाली होती है। बात करें पहले हिंदी की, अब हिंदी में 4-5 तरह की प्रणाली होती है, जैसे कि गुरु प्रणाली होती है, एक ऋषि प्रणाली होती है, एक विशिष्ट प्रणाली होती है, इंग्लिश में आपकी एक पिटमैन प्रणाली है, एक साथ ही आपकी गर्ग की है, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। मान लीजिए कि आपने ऋषि प्रणाली से स्टेनोग्राफी सीख ली हिंदी में, और एक बंदा है आपका दोस्त है जिसने विशिष्ट प्रणाली से स्टेनोग्राफी सीखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों शॉर्ट हैंड बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको कोई डिक्टेशन बोली जाती है और आपने ऋषि प्रणाली से स्टेनोग्राफी सीख रखी है तो आप उसे दूसरे तरीके से लिखोगे, और जिस बंदे ने विशिष्ट प्रणाली से शॉर्ट हैंड सीख रखी है उसको जब डिक्टेशन सेम बोली जाएगी वो उसको दूसरे तरीके से लिखेगा, क्योंकि ये दोनों प्रणाली अलग है और आप उसकी शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपने ऋषि प्रणाली से शॉर्ट सीखी है और वो आपकी शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जब आप अपनी अपनी शॉर्ट हैंड को कन्वर्ट करोगे यानी कि पूरा प्रोसेस करोगे, दोबारा उसे हिंदी में पढ़ोगे तो आपकी डिक्टेशन सेम रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करें, अगर आपने एक बार ऋषि प्रणाली पकड़ ली तो हमेशा ऋषि प्रणाली से ही स्टेनोग्राफी सीखे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 2 महीने आपने ऋषि प्रणाली सीखी उसके बाद आप विशिष्ट प्रणाली के ऊपर शिफ्ट हो गए या फिर आप गुरु प्रणाली के ऊपर शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात करें तो जब मैंने स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट किया था तो पहले 1 महीना मैंने ऋषि प्रणाली से सीखी थी, उसके बाद मैंने दूसरी प्रणाली चेंज कर दी क्योंकि रिजल्ट मुझे इतने अच्छे नहीं दिखे, तो मैंने स्टार्ट की विशिष्ट प्रणाली से। फाइनली मैं एक स्टेनोग्राफर हूं तो मुझे विशिष्ट प्रणाली स्टेनोग्राफी आती है, तो फाइनली ये बुक मैंने परचेज की थी। और कुछ बुक है एडवांस लेवल की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 3-4 प्रणाली होती है, तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रणाली को पकड़ लीजिए जो भी आपको समझ आए। वैसे सब ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन फिर भी डिफरेंट तो है। इंग्लिश में पिटमैन बहुत ही पॉपुलर है, आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट है उनका बहुत बड़ा, साथ ही गर्ग वालों की स्टेनोग्राफी इंग्लिश में बहुत ही फेमस है, तो आप कोई भी सीख सकते हैं। इंग्लिश की ऑलमोस्ट सभी सेम है। फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी आप कैसे सीख सकते हैं, मिनिमम आपको कितना टाइम लगेगा, उससे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, डिपार्टमेंट और सैलरी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की आज पोस्ट निकल रही है। फिर भी जो पॉपुलर वैकेंसीज हैं वो आपकी एक SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी की वैकेंसी निकलती है, DSSSB के अंदर स्टेनोग्राफी की अभी जनवरी फरवरी वैकेंसी निकलती है, NVS स्टेनोग्राफर, NYKS स्टेनोग्राफर, आपका KVS स्टेनोग्राफर, SIC स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकलती हैं, DRDO के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती है, BARC के अंदर वैकेंसीज निकलती है, CAPF सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। तो ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट आज निकल रही है, आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज निकलेगी। अब फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट मान लीजिए कि जो सबसे पॉपुलर वैकेंसी है स्टेनोग्राफी की वो है SSC स्टेनोग्राफर, जो ग्रेड सी ग्रेड डी की निकलती है। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको डिपार्टमेंट बड़े ही इंटरेस्टिंग मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट मिल जाता है, सभी लेवल के सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट, सबोर्डिनेट डिपार्टमेंट्स या फिर कस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े लेवल के, उनके अंदर स्टेनोग्राफी की पोस्ट के ऊपर आपकी पोस्टिंग होती है। जब मैं SSC स्टेनोग्राफी की पोस्ट के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर आपको अपॉइंट किया जाता है SSC स्टेनोग्राफी में सिलेक्शन लेने के बाद, तो आप उसका वेट करिए। आज हम बात कर रहे हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलती है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एवरेज सैलरी क्या होती है। अब जो सेंट्रल लेवल के ऊपर वैकेंसीज निकलते हैं स्टेनोग्राफर की, उनकी सैलरी कुछ ज्यादा होती है, आपको पता है। अगर SSC स्टेनोग्राफर की बात करें तो ग्रेड सी की जो सैलरी लगभग होती है वो 40,000 के आसपास होती है, ग्रेड डी की जो सैलरी होती है वो लगभग 34,000 के आसपास होती है, DSSSB के अंदर जो वैकेंसी निकलती है उनका ग्रेड पे 2,000-2,400 के आसपास रहता है, तो उनकी सैलरी लगभग 32,000 के आसपास रहती है, यानी कि मोर देन 30,000 तो स्टेनोग्राफर की सैलरी रहती है। बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि वैकेंसी जो वो स्टेनोग्राफी की निकली है वो स्टेट लेवल की है या फिर सेंट्रल लेवल की है। बाकी इतना कहूंगा कि
स्टेनोग्राफी की पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको जबरदस्त मिलती है। बात करें वर्कलोड के बारे में, तो वर्कलोड इसमें बहुत ही कम होता है, वर्किंग आवर 8 आवर का होता है, 9 to 5 की जॉब है, वीक में आपको 6 days ऑफिस जाना पड़ता है, या फिर कुछ कुछ डिपार्टमेंट में आपको 5 days ऑफिस जाना पड़ता है, या फिर कुछ कुछ डिपार्टमेंट में सैटरडे को ऑफ रहता है, तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वर्कलोड इतना नहीं है। बाकी जितनी वैकेंसी है क्लरिकल की वैकेंसी या फिर डिफेंस की, इतना वर्कलोड नहीं है, काफी कम वर्कलोड है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद आपको काम क्या करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्लरिकल पोस्ट है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होता है तो आपको हमेशा क्लरिकल काम करना पड़ेगा, ऑफिस के अंदर रहकर कंप्यूटर के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। वैसे तो स्टेनोग्राफर अपने आप में एक डिफरेंट पोस्ट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बड़े बड़े डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर को एज अ पर्सनल असिस्टेंट भी काम करना होता है। स्टेनोग्राफर का काम इतना होता है, आपके ऑफिस के अंदर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या फिर जिस बड़े ऑफिसर के आप पीए हो उनकी कोई मीटिंग होती है तो उनके कन्वर्सेशन को आपको रिकॉर्ड करना होता है, या फिर आप कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर हो तो जज और वकील के अंदर जो भी कन्वर्सेशन होती है या फिर जो जज कोई भी जजमेंट देता है वो सभी आपको रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, तो ये सभी स्टेनोग्राफर का काम होता है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपर काम करना होता है, तो काफी फ्रेश काम है स्टेनोग्राफर का। फाइनली बात कर लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के अंदर स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होता है, उसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है, डिटेल से बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी वैकेंसी हो, हर एक वैकेंसी में स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट का बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपको एक डिक्टेशन बोली जाती है। अगर उस वैकेंसी में स्पीड 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है तो आपको एक 10 मिनट की डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट बोली जाएगी, यानी कि 800 वर्ड आपको 10 मिनट के अंदर बोले जाएंगे एक पर्टिकुलर स्पीड से, हिंदी या फिर इंग्लिश के। हिंदी वालों को हिंदी की डिक्टेशन बोली जाती है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश की डिक्टेशन बोली जाती है, तो आपको 10 मिनट तक वो डिक्टेशन लिखनी होती है शॉर्ट हैंड में। आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटबुक दे दी जाएगी, आपको पेन या फिर पेंसिल दे दी जाएगी, पेंसिल आपको अपनी तरफ से लानी होती है या फिर डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड कर देता है, तो आपको वो 10 मिनट तक शॉर्ट हैंड लिखनी होती है पूरी स्पीड में, जो भी मैंने आपको अभी बताया उस सिंबॉलिक लैंग्वेज में। आपने वो 10 मिनट तक शॉर्ट हैंड लिख ली, आपको डिक्टेशन बोली जा रही है हिंदी या फिर इंग्लिश में, जब आप उसे नोट कर लेते हो अच्छे से, उसके बाद आपको कंप्यूटर दिया जाएगा। अगर आप हिंदी के स्टेनोग्राफर हो तो आपको हिंदी में टाइप करना है, अगर आप इंग्लिश के स्टेनोग्राफर हो तो आपको इंग्लिश में टाइप करना होता है। आपको अगर 80 वर्ड पर मिनट है तो 65 मिनट्स आपको हिंदी वालों को दी जाएगी कि वो कंप्यूटर पे टाइप करने, इंग्लिश वालों को लगभग 55 या फिर 50 दी जाती है, वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना टाइम दिया जा रहा है। तो जो आपने लिखा, जो डिक्टेशन आपको बोली गई थी शॉर्ट हैंड में जो आपने लिखा, वो आपको कंप्यूटर पर एज इट इज टाइप करनी है, आपको हिंदी में टाइप करनी है जो डिक्टेशन बोली गई थी, आपको वो सेम टाइप करनी है 800 वर्ड आपको जो कि तो कंप्यूटर के ऊपर टाइप करने हैं। फ्रेंड, जो मिस्टेक्स यूजुअली इसमें माफ होती है यानी कि छूट होती है, वो लगभग 40 मिस्टेक अगर आप कर देते हो तो उनकी छूट होती है। अगर 40 वर्ड से ज़्यादा आपकी मिस्टेक निकल जाती है तो वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो इसका एवरेज है। वैसे ये जो मिस्टेक है ये वैकेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जब आप किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उसमें प्रॉपर पता चल जाता है कि यहाँ पर कितनी की एक्यूरेसी मांगी गई है, तो ये आपका प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आप टाइप कर लेते हो तो आपका एक रिजल्ट निकल के आता है प्रॉपर प्रिंटर से, जिसमें आप देखते हैं कि आपने कितनी मिनट के अंदर वो पैराग्राफ लिखा, आपने मिस्टेक कितनी की है, आपकी स्पीड कितनी थी, तो वो सभी चीज़ें आपको उसमें पता चल जाती है, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, आपके आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो ये था प्रोसीजर। फाइनली बात करते हैं हाउ टू लर्न स्टेनोग्राफी, कि आप स्टेनोग्राफी कैसे सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, या तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर जाओ, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर क्लासेस देंगे, आपको स्टेनोग्राफी के लिए तैयार कर देंगे, या फिर आप खुद घर पर ही बुक परचेज करके या फिर यूट्यूब से वीडियो देख देख के स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी सीखने में इंस्टीट्यूट का ज़्यादा रोल नहीं होता, आपको खुद ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टेनोग्राफी सीखना केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप स्टेनोग्राफी को खुद भी सीख सकते हैं। मैं अपने स्टार्टिंग के दिनों में केवल 1 महीना ही इंस्टीट्यूट के ऊपर गया था, जब मैं ऋषि प्रणाली के ऊपर था, उसके बाद मैंने अपनी प्रणाली भी चेंज कर ली और खुद घर बैठ के बुक परचेज करके मैंने स्टेनोग्राफी सीख
सीखी, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट स्टेनोग्राफी के अंदर। तो बात करते हैं कि खुद आप कैसे सीख सकते हैं। पहले तो मैं उन लोगों का डाउट क्लियर कर दूं जो कि हमेशा पूछते रहते हैं कि हम स्टेनोग्राफी मिनिमम कितने टाइम के अंदर सीख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टेनोग्राफी सीखना आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे मिनिमम 5 to 6 months लगे थे और मैंने जो प्रैक्टिस की थी ना वो जबरदस्त थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 स्किल टेस्ट में फेल हो चुका था। फिर मैंने अपना 100% स्टेनोग्राफी के ऊपर दिया, जबरदस्त मेहनत की थी। मिनिमम जो आपको टाइम लगेगा 5 to 6 months तो लग ही जाएंगे 80 words per minute स्टेनोग्राफी की स्पीड लाने में विद हाईएस्ट एक्यूरेसी। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना टाइम दे रहे हो, कितनी डेडिकेशन के साथ उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब कुछ लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे, अगर ज्यादा स्टेनोग्राफी को फोकस नहीं करेंगे तो उनको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और अगर आप मुझसे भी ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से आप पूरा 100% स्टेनोग्राफी के ऊपर दे रहे हो तो आप 4 months के अंदर भी स्टेनोग्राफी सीख सकते हो। तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप खुद स्टेनोग्राफी सीखने चाहते हो तो डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सी प्रणाली सीखना चाहते हो। हिंदी वाली हो तो ऋषि प्रणाली, गुरु प्रणाली या फिर विशिष्ट प्रणाली, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। मैंने जो स्टेनोग्राफी सीखी थी वो विशिष्ट प्रणाली से सीखी थी, आपको पहले बता चुका हूँ। ये विशिष्ट प्रणाली है, ये ऋषि प्रणाली थी। आप बुक परचेज कर लीजिए ऋषि प्रणाली की, आप इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक से आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ है। या फिर आप विशिष्ट प्रणाली की बुक परचेज कर सकते हैं, इसमें भी बिल्कुल बेसिक से दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, जैसे कि ए आ ई ऊ, ये होते हैं कै खै गै, एक एक प्रॉपर वर्ण का आपको एक एक सिंबल बना के दिखाया हुआ है जो कि आपको लर्न है, करना है। और उसके बारे में हिंदी में आपको प्रॉपर अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे इसको ड्रॉ करना है, कैसे इसको लिखना है। तो आप सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे, आपको किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, बुक से आप अच्छे से समझ जाओगे। तो एक प्रॉपर बुक परचेज कर लीजिए। मैंने सभी बुक्स के लिंक, यानी कि 3-4 प्रणाली के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पिटमैन जो इंग्लिश की स्टेनोग्राफी होती है उनकी भी बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। या तो अपने आसपास से या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आप बुक से खुद स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। पहली जो बुक थी ये एक बेसिक बुक है विशिष्ट प्रणाली की, इससे आप सब कुछ बेसिक सीख जाओगे। सेकंड जो बुक है डिक्टेशन की है, जब आपकी स्पीड आ जाएगी 50-60 तो आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें आप काफ़ी सारी डिक्टेशंस दी हुई हैं जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आप किसी और बुक से भी जिसमें निबंध दिए हों उनको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपकी स्पीड अच्छी आ जाएगी। साथ ही ये भी आपकी कुछ एडवांस लेवल की इसमें डिक्टेशन दी हुई है जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स डिक्टेशन। एक बार आप हर एक वर्ड का मतलब समझ गए, जैसे कि यहाँ पर एक सिंबल का मतलब दिया हुआ है महोदय, एक सिंबल बनाया हुआ है उसका मतलब है सभापति, एक सिंबल बनाया हुआ है उसका मतलब है अपने, एक सिंबल बनाया हुआ है उसका मतलब है कहाँ पर जा रहे हो। तो इस प्रकार एक बार ये सभी चीजें आप सीख गए तो उसके बाद आपको फुल डेडिकेशन के साथ डिक्टेशन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने मोबाइल के निबंध या फिर कोई भी डिक्टेशन बुक से रिकॉर्ड कर लेनी है 10 मिनट की, उसको फिर आप मोबाइल के अंदर चलाइए और उसको शॉर्ट हैंड में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही आपकी स्पीड आएगी। एक बार आप बेसिक लेवल आपका क्लियर हो गया उसके बाद आपको डिक्टेशन के ऊपर ऐसे ही काम करना है। या तो किसी को बोलिए कि मेरे लिए डिक्टेशन वो बोले 10-15 मिनट और आप उसे लिखें, फिर उस डिक्टेशन को जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखी उसे पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि फ्रेंड्स स्टेनोग्राफी में सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपने अपनी हैंड राइटिंग में शॉर्ट हैंड में लिख दिया है आप उसे एज इट इज पढ़ भी सके जो कि वो असली में था, यानी कि जो डिक्टेशन वो प्रॉपर बुक में है। तो फ्रेंड्स स्टेनोग्राफी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप स्टेनोग्राफी सीख रहे होते हैं तो आपको वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। स्टेनोग्राफी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही मजा आता है स्टेनोग्राफी सीखने में। इसी वजह से मैंने स्टेनोग्राफी के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट किया था, क्योंकि ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था स्टेनोग्राफी के बारे में कंप्लीट डिटेल जो कि मैंने आपको इस पूरी वीडियो में दे दी है। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया स्टेनोग्राफी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब आप वे टू सक्सेस 5 को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और सोनू अहलावत हमारा दूसरा चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।